दोस्तों, आज की कहानी है सासु माँ आपको मेरे कमरे में ताक जाक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीतू की शादी को 5 महीने से अधिक समय हो चुका है। शादी से पहले वह बैंक में नौकरी करती थी। पति सुकेश भी बैंक में मैनेजर थे। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। परिवार में दोनों की शादी पर किसी को आपत्ति नहीं थी, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो गया। ससुराल में पति, सास, ससुर तथा एक देवर थे। देवर को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वह अपने पिता के साथ ज्वेलरी की दुकान पर बैठते थे। शादी से पहले ही नीतू ने कह दिया था कि वह नौकरी करती रहेगी, जिस पर सुकेश ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई थी और सास ससुर ने भी शादी पर। सुकेश और नीतू ने 15 दिन की छुट्टियां ली थी। हनीमून से लौटने के बाद दोनों ने ही बैंक जाना शुरू कर दिया था। सवेरे 9 बजे दोनों इकट्ठे ही घर से निकलते और शाम को लौटते वक्त 6 बजे जाते थे। नीतू सवेरे 7 बजे उठती, तैयार होकर रसोई में काम कर रही सास का थोड़ा बहुत हाथ बटाती, अपना व पति का टिफिन तैयार करती, फिर सही नाश्ता करके दोनों निकल जाते। इससे अधिक काम वह नहीं कर पाती थी। मायके में भी उसने कभी कोई काम नहीं किया था और न ही उसे कोई रुचि ही थी। शाम को लौटने के बाद भी रात के खाने के वक्त थोड़ी सी मदद कर देती, बाकी के सारे काम सास ही कर लेती थी। वह ने एक सहायक रखी हुई थी जो बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा कर दिया करती थी। खाने का काम वह सवे ही करती थी। मैड का बनाया खाना उन्हें पसंद नहीं आता था। दूसरा उनकी सोच थी कि सारा काम अगर मैड करेगी तो वह क्या करेंगे, उनका समय कैसे कटेगा। सुकेश और नीतू के ऑफिस जाने के बाद सास कमला जी सहायिका को लेकर पूरे घर की सफाई करवाती। जब वह बेटे बहू के कमरे में जाती तो देखती कि कमरा बहुत अस्त व्यस्त रहता, सामान भी इधर उधर बिखरा रहता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे शुरू से ही एक सफाई पसंद और अनुशासन प्रिय गृहिणी रही थी, इसलिए उन्हें लगता था कि घर व्यवस्थित रखना जरूरी है। हैरानी तो इस बात की हुई कि बिखरे सामान में ही सैनिटरी पैड्स और मेकअप की सामग्री होती, जिसे देखकर उन्हें हैरानी के साथ साथ बुरा भी लगता। इतनी लापरवाही भी कोई करता है। नीतू को शुरू से ही घर के कामों में कोई रुचि नहीं थी। पहले माँ ही सब काम कर लेती थी, फिर भाई की शादी हो गई तो सास बहू मिलकर सब काम निपटा देते थे। नीतू पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए उसने काम करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अपने कमरे को भी अस्त व्यस्त छोड़कर बैंक चली जाती थी। पीछे से भाभी या माँ ही उसके कमरे को ठीक करते थे। अब ससुराल में ये काम तो सास नहीं करेगी, ना सहायिका को कहकर थोड़ी सी सफाई जरूर करवा देती थी। अगले दिन देखती तो कमरे की फिर से वही हालत होती। धीरे धीरे उन्हें कुछ बुरा लगने लगा। इतनी शिक्षक और परिपक्व होने के बाद अपने कमरे को साफ व्यवस्थित रखना तो बहू का काम है, क्या बिखरा अस्त व्यस्त कमरा देखकर उसे कुछ अड़चन उलझन नहीं होती। छुट्टी के दिन वह देखती कि बहू आराम से सो उड़ती, फिर सारे नाश्ते के बाद मोबाइल पर लंबे समय तक बातें करती रहती। खाना बनाने के वक्त सास को कुछ मदद कर देती, लेकिन अपने कमरे की सफाई पर उसका विशेष ध्यान नहीं होता था। कमला जी सोचती बहू को कैसे समझाया जाए कि अपने बेडरूम को व्यवस्थित साफ रखना चाहिए। एक दिन सवेरे बेटे के कमरे के पास से गुजरते हुए कमला जी ठहर गई। अंदर से कुछ जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। सुकेश नीतू से कह रहा था, मेरी टाई
तुम हर चीज ठिकाने क्यों नहीं रखती, कहीं भी कुछ सामान रख देती हो और फिर वक्त पर नहीं मिलता, थोड़ा व्यवस्थित क्यों नहीं रखती। मुझसे जितना होता है उतना तो कर ही रही हो, आप भी तो अपने सामान को सही जगह पर रख सकते हो, कहीं भी इधर उधर रख देते हो फिर मुझ पर दोष लगा रहे हो। मुझे अकेली का दोष थोड़ी है, अभी दूसरी टाई बांध लो, कल आराम से ढूंढ लूंगी, नाश्ता करके और टिफिन लेकर दोनों ऑफिस चले गए। कमला जी सोच रही थी सुकेश को भी शुरू से ही व्यवस्थित रहने की आदत है, उसे भी बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन पत्नी को शायद कुछ बुरा न लग जाए इसलिए शुभ रहता है, इसलिए वह भी लापरवाह होती जा रही है। मुश्किल से एक हफ्ता भरी बीता था कि कमला जी को फिर बेटे बहू के जोर से बोलने की आवाज़ है। सुकेश कह रहा था नीतू बाथरूम में कैसी दुर्गंध आ रही, तुम्हें नहीं लगी, थोड़ा तो सफाई पर ध्यान दे सकती हो, काम तो मेरी ही करेगी लेकिन काम कराना तो हमारा फर्ज है ना। तुम मम्मी को कह कर जा सकती हो कि बाथरूम की सफाई करवा ले, एयर फर्नेसर डाल दे, छुट्टी के दिन खुद ही अच्छे तरीके से सफाई कर दो, अब इतना काम तो कर सकती हो ना, सब कुछ मम्मी थोड़ी करेंगे। क्या मैं बाथरूम धोने बैठ जाऊँ, मुझसे नहीं होते ऐसे काम, नीतू सीढ़ कर बोली। कमला जी ने निरसे कर लिया, अब तो नीतू को बोलना ही पड़ेगा, अब तक वे लियाज करती रही लेकिन अब पानी सर से ऊपर ना चला जाए। रात को जब वे खाना बना रही थी और नीतू मदद के लिए उनके पास आई तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बहू एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, पति पत्नी की जिंदगी में उनका बेडरूम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बेडरूम में बीता, वह स्थान जितना साफ सुथरा व्यवस्थित होगा उसमें उतनी सकारात्मक ऊर्जा होगी। अगर हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से निश्चित स्थान पर रखी जाए तो उसे ढूंढने में न तो समय व्यर्थ जाएगा न शिक्षित होगी। जब समय पर कोई वस्तु नहीं मिलती तो कई बार नौबत झगड़े तक पहुंच जाती है। पिछले हफ्ते सुकेश टाई न मिलने पर जला रहा था और आज बाथरूम की सफाई को लेकर तुम्हारे बीच बहसबाजी हो रही थी। उस दिन नीतू का मुर्ख सुखड़ा हुआ था, सास की बातें उसे सूख गई, कुछ गुस्से से बोली, मम्मी जी आपको मेरे कमरे में ताक जाग की क्या जरूरत है, मुझे जैसा ठीक लगता है रखती हूँ, आपको क्या आपत्ति है, आप घर के दूसरे कमरों की सफाई कराइए, मेरा कमरा मैं खुद देख लूंगी। कमला जी को बहू की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहू इतनी बेरुखी से बोलेगी, इतने प्यार से समझाने के बाद भी उसे सास की बातों से मिर्सी लग गई, अब वे उसे कैसे समझाती कि देखने में ये बातें छोटी लगती हैं लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें आगे जाकर मन मुटाव और कलह का कारण बन जाती हैं। वे ये नहीं कह रही कि घर होटल जैसा सकासक और समकता रहे, घर आखिर घर ही होता है लेकिन वो व्यवस्थित और साफ सुथरा तो अवश्य होना ही चाहिए, जहाँ कोई भी वस्तु समय पर ही मिल जाए, इधर उधर ढूंढने में समय व्यर्थ ना हो। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा रहती है जिससे शब्दों पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसके विपरीत जहाँ कमरे में बिखरा वस्तु व्यवस्था तथा बेकार की वस्तुएं पड़ी रहती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जिससे शब्दों की मधुरता पर असर पड़ता है। मन मुटाव खींचतान बेसबाजी जैसे हालात बनने लगते हैं। अब नीतू तो ये सब सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। कमला जी मन मार कर सुब हो गई और दूसरे कमरे में चली गई। रविवार के दिन सही नाश्ते के बाद कमला जी ने देखा कि नीतू पति के साथ मिलकर अपने कमरे की सफाई कर रही थी। उन्हें थोड़ा आलस्य भी हुआ और उनके चेहरे पर मुस्कान भी फैल गई। चलो अकेली ना सही, पति के साथ मिलकर कम से कम अपने
कमरे की सफाई तो कर रही है। जैसे ही उसने कमला जी को वहाँ से जाते देखा, उनके पास आई और बोली, मम्मी जी सॉरी, उस दिन मैंने आपके साथ कुछ बेरुखी से बात की। असल में उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी तो गुस्से में गलत बोल गई। आपने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन अपने तनाव और ईगो के कारण मैं ही क्रोधित हो गई। आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वह सोचने लगी। सुकरे सासु माँ ने प्यार से समझाया, जल्दी कटी नहीं सुनाई, वरना कई सासें तो बहुओं की खटिया खड़ी कर देती हैं। कमला जी को अपनी बहू पर ढेर सा प्यार उमड़ आया, जिसने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अपनी गलती स्वीकार करते हुए, समझदारी दिखाते हुए रिश्तों को मधुर बना